ऐसे समय जब देश में जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर होने के कगार पर पहुंच गई है, इसे नियंत्रित करने को लेकर राजनीति जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी का अंदरूनी मतभेद भी खुलकर सामने आ गया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हाल फिलहाल तक केंद्रीय मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी के विचार एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। नकवी ने यूपी के सीएम के विचार को सिरे से खारिज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को निशाने पर लेने की मंशा से कहा कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से अराजकता फैलेगी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसा न हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की रफ्तार तेज हो और जो मूल निवासी हैं जागरूकता अभियान चलाकर उनकी जनसंख्या नियंत्रित कर असंतुलन पैदा कर दिया जाए। उन्होंने बगैर किसी समुदाय का नाम लिए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा न हो। योगी आदित्यनाथ ने इसके आगे कहा कि हम सभी जानते हैं कि बीते 5 वर्षों में देश भर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज के उपलब्धि भी है, लेकिन ये उपलब्धि तभी तक है जब समाज स्वस्थ व आरोग्यता की स्थिति को प्राप्त कर सके। योगी आदित्यनाथ का इशारा बहुत ही साफ है। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। लेकिन उनकी पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी उनसे असहमत थे। उन्होंने कहा, बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। याद दिला दें कि अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा था। यूपी स्टेट लॉ कमीशन के तत्कालीन अध्यक्ष जस्टिस A.N. मित्तल ने एक मसौदा विधेयक भी तैयार किया था। इस मसौदे में कई अहम बातें कही गई थी, जिससे ये साफ तौर पर है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और जो सरकारी नौकरी में होंगे उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। स्टेट लॉ कमीशन ने 260 पन्नों की रिपोर्ट में आम लोगों की राय भी मांगी। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए। फिलहाल ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी है। क्या योगी आदित्यनाथ इसे झाड़ पूछ कर बाहर निकालेंगे और इसे लागू करेंगे?